छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठी राज्य जीतने का सपना पूरा होगा, ऐसा मुगलों को विश्वास हो गया। परंतु कुछ महान व्यक्तियों ने इस विश्वास को गलत साबित कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने दक्षिण फतेह किया और स्वराज्य का विस्तार किया। स्वराज्य में पुणे, नाशिक, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ व थाने, इन जिलों के बहुत से भागों का समावेश किया गया। इसी प्रकार से कर्नाटक राज्य का बेलगांव, कारवार और धारवाड़, इन जिलों का कुछ भाग और तमिलनाडु राज्य में स्थित जिंजी, वेल्लोर और आसपास के कुछ भागों को स्वराज्य में शामिल किया गया। राष्ट्र कारबार सलीके से चले, इसलिए उन्होंने अष्टप्रधान का गठन किया। स्वराज्य में करीब करीब 240 किले थे। 3 अप्रैल सन 1680 ये हिंदवी स्वराज्य का एक काला दिन साबित हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य को अनाथ कर चल बसे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में कुछ कर दिया। मराठाओं ने शिवपुत्र संभाजी महाराज, राजाराम महाराज और महारानी ताराबाई, इनके नेतृत्व में स्वराज्य की रक्षा के लिए मुगलों से डट कर सामना किया। इसी को मराठाओं का स्वतंत्र संग्राम कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद संभाजी महाराज छत्रपति बने। इसी काल में उनका मुगलों से संघर्ष चालू रहा। छत्रपति संभाजी महाराज ने जंजीरा के सिद्दी विरुद्ध और गोवा के पुर्तगालियों के विरुद्ध मुहिम छेड़ दी। मुगलों से संघर्ष करते हुए छत्रपति संभाजी महाराज के सेनापति हम्बीर राव मोहिते मारे गए। इस काल में संभाजी महाराज का लश्करी पक्ष कमजोर हो गया। औरंगजेब ने मुकर्रब खान का कोल्हापुर प्रांत में चुनाव किया। संभाजी महाराज के कोकण के संगमेश्वर में रहने की खबर जैसे ही मुकर्रब खान को मिली, उसने छापा मारकर संभाजी महाराज को पकड़ लिया। 9 बहुत ही कठिन स्थिति में अत्यंत समर्थता से उन्होंने मुगल सल्तनत से टक्कर ली। 11 मार्च सन 1689 को औरंगजेब के हुकुम पर बड़ी ही निर्दयता से छत्रपति संभाजी महाराज को मार दिया गया। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठी राज्य जीतने का सपना पूरा होगा, ऐसा मुगलों को विश्वास हो गया। संभाजी महाराज के बाद उनके छोटे भाई राजाराम महाराज छत्रपति बने। कुछ दिनों बाद औरंगजेब की सेना ने रायगढ़ को घेर लिया। उस समय वहां संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई, पुत्र शाहू महाराज, राजाराम महाराज और महारानी ताराबाई, ये सब मौजूद थे। 5 अप्रैल सन 1689 को कुछ सहकारियों के साथ राजाराम महाराज रायगढ़ के पहरे से छूटकर जिंजी के किले पर पहुंच गए। नवंबर 1689 में औरंगजेब की सेना ने रायगढ़ का किला कब्जे में ले लिया और महारानी येसुबाई और शाहू को कैद कर लिया। आगे चलकर उसने जिंजी पर भी घेरा लगा दिया, पर तब राजाराम महाराज वहां से भागकर महाराष्ट्र में वापस आ गए। उन्होंने मुगलों के कब्जे में रहे अनेक प्रदेशों पर हमला बोल दिया। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव की मदद से उन्होंने आगे कुछ वर्षों तक मुगलों से मुकाबला किया। मार्च सन 1700 में एक बीमारी के चलते राजाराम महाराज का सिंहगढ़ पर निधन हो गया। राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं के साथ संघर्ष खत्म हो जाएगा, ऐसा औरंगजेब को लगने लगा। पर राजाराम महाराज की कर्तव्यगत पत्नी महारानी ताराबाई ने अपने सरदारों की सहायता से स्वातंत्र संग्राम को जारी रखा। समर्थशाली मुगल शासन के विरुद्ध शिवराय की बहू महारानी ताराबाई ने दी हुई टक्कर सराहनीय है। औरंगजेब अब हैरान हो गया था। अनेक वर्षों तक चलने वाली मराठा मुगल लड़ाई में मुगल मराठा साम्राज्य पर काबू पाने में असफल रहे। ऐसी परिस्थिति में औरंगजेब की सन 1707 में अहमदनगर में मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनकी संतानों में दिल्ली की गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। मुगलों की कैद से शाहू महाराज को मुक्त करने पर महारानी ताराबाई और शाहू महाराज में छत्रपति की गद्दी के लिए विवाद उत्पन्न होगा, ऐसा औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद आजम शाह को लगने लगा। इसी उद्देश्य से उसने शाहू महाराज को मुक्त कर दिया। संभाजी पुत्र शाहू महाराज दक्षिण पहुंचे, तब उन्हें कुछ मराठी सरदार मिले, परंतु महारानी ताराबाई ने शाहू महाराज का छत्रपति की गद्दी का हक स्वीकार नहीं किया। पुणे जिले की भीमा नदी किनारे खेड में शाहू महाराज और महारानी ताराबाई की सेना में युद्ध हुआ। इस युद्ध में शाहू महाराज की जीत हुई। उन्होंने सातारा को जीत लिया और राज्याभिषेक कर लिया। सातारा ही मराठाओं की नई राजधानी बनी। महारानी ताराबाई का शाहू महाराज के खिलाफ विरोध जारी रहा। सन 1710 में महारानी ताराबाई ने कोल्हापुर में पन्हाड़गढ़ पर अपने अल्पवयी पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित कर दिया।
और तब से मराठा शाही में सतारा व्यतिरिक्त कोल्हापुर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ। शाहू महाराज के मुगल कैद से छूट कराने के बाद उनका साथ देने वालों में से एक थे कोकण के श्रीवर्धन के बालाजी विश्वनाथ भट्ट। उन्होंने मराठा नौसेना प्रमुख कान्होजी आंग्रे इन्हें भी शाहू महाराज के पक्ष में कर लिया। शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ भट्ट को सन 1713 में अपना पेशवा घोषित किया। अपनी बुद्धि की कुशलता से पेशवा भट्ट ने शाहू महाराज को मराठी साम्राज्य के विस्तार में बहुत मदद की। उन्होंने मुगल प्रदेश के राजस्व का 1/4 भाग और 10% सरदेशमुखी का अधिकार प्राप्त करने में भी मदद की। उनकी मृत्यु के पश्चात सन 1720 में शाहू महाराज के पेशवा बने उनके पुत्र बाजीराव। पेशवा बाजीराव ने एक भी लड़ाई हारे बिना मराठा साम्राज्य दिल्ली तक फैला दिया। उन्होंने अपने भाई चिमाजी अप्पा की सहायता से मालवा और बुंदेलखंड ये भाग स्वराज्य में शामिल किए। सन 1739 में वसई का किला जीतकर पुर्तगालियों पर भी विजय प्राप्त की। उत्तर भारत में बाजीराव के सिर्फ नाम से ही दहशत मच जाती थी। सन 1740 में बाजीराव और चिमाजी अप्पा चल बसे। उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज के पेशवा बने बालाजी बाजीराव अर्थात नाना साहेब पेशवा। पेशवा नाना साहेब के काल में उनके भाई रघुनाथ राव और जयप्पा शिंदे मल्लाराव होलकर के साथ मिलकर स्वराज्य का विस्तार अटक पार ले गए और इसी काल में हुई पानीपत की मशहूर तीसरी लड़ाई। इसी लड़ाई में हुई मराठाओं की हार से उभरते हुए नाना साहेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्र पेशवा माधवराव ने स्वराज्य को फिर से खड़ा किया। सन 1763 में पेशवा माधवराव ने पैठन के नजदीक स्थित राक्षस भुवन में निजाम को हरा दिया। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक में श्रीरंगपट्टन के पास हैदर अली को भी हरा दिया। सन 1772 में माधवराव की मृत्यु हो गई और उसके बाद पेशवा बने नारायण राव, रघुनाथ राव, सवाई माधवराव। इन्होंने आगे जाके मराठी साम्राज्य को संभाला। मराठी साम्राज्य को संभालने में मल्हारराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर, रघुजी भोसले, बहाजी शिंदे और नाना फडणीस इन प्रमुख सरदारों ने पेशवाओं की मदद की, लेकिन इनके काल के उपरांत मराठी सत्ता कमजोर पड़ती गई। बाजीराव द्वितीय के काल में मराठाओं का उत्तर और दक्षिण में प्रभाव कम हो गया। मराठाओं का स्थान अंग्रेजों ने ले लिया। सन 1818 में मराठाओं की सत्ता समाप्त हो गई। अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपना कब्जा जमा लिया और भारत के इतिहास का मध्य युग खत्म हो गया।